हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट आईएएस। सो लेट्स स्टार्ट डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सो इन डबल स्लाइडर क्रैंक, एज द नेम सजेस्ट, डबल स्लाइडर। सो डबल स्लाइडर मीन्स वी आर हैविंग टू स्लाइड्स। सो इट इज, दिस वन इज आवर फर्स्ट स्लाइड एंड दिस वन इज आवर सेकेंड स्लाइड, ओके। एंड क्रैंक मैकेनिज्म, सो क्रैंक मीन्स एनी लिंक विच इज कम्प्लीटिंग 360 डिग्री, ओके। सो दिस मैकेनिज्म विल हैव फोर लिंक्स, एज हम चार फोर लिंक मैकेनिज्म ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फोर बार मैकेनिज्म पढ़ा, फिर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म पढ़ा, अभी डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ओके। सो दिस विल हैव फोर लिंक, टू टर्निंग पेयर। सो दिस वन इज आवर फर्स्ट टर्निंग पेयर, दिस वन इज द सेकेंड टर्निंग पेयर एंड टू स्लाइडिंग पेयर। सो हेयर फर्स्ट स्लाइडिंग पेयर एंड सेकेंड स्लाइडिंग पेयर, ओके। अब ये वाला सेकेंड सेम ही है, राइट। सो उसमें आप कन्फ्यूज मत होना, राइट। सो अब यहाँ पर जो नेमिंग है, दैट इज दीज आर द स्लाइडर्स, एंड जो ये सेंटर वाला जो कनेक्ट कर रहा है दोनों स्लाइडर को, उसको हम कनेक्टिंग क्रैंक कहते हैं, ओके। सो दिस इज नोन एज कनेक्टिंग क्रैंक। और ये जो पूरा पार्ट है जो कि एक्सटर्नल है, जिसके अंदर ये स्लाइड होंगे दोनों स्लाइडर, उसको हम सिंगल स्लॉटेड पीस होता है ये, तो इसका नाम सिंगल स्लॉटेड ही होता है, राइट, ओके। सो ये अंदर से हॉलो है, राइट। सो लेट्स सी इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द स्लॉटेड प्लेट। व्हेन स्लॉटेड प्लेट इज फिक्स, मैकेनिज्म मीन्स आपको पता है दैट वी हैव टू फिक्स वन लिंक। सो फिक्स वन लिंक, सो लेट्स वी फिक्स द स्लॉटेड प्लेट जो कि बाहर वाला था, उसको वी फिक्स्ड इन। सो व्हेन यू मूव दिस, ओके, अगर हमने यहाँ पर इनपुट दिया है तो यहाँ पर आउटपुट होगा, ये कहीं तो मूव होगा। अगर इसको हम एक्सटर्नली मूव कर रहे हैं तो ये इंटरनली मूव होगा, क्योंकि ये जो इसके बीच का पार्ट है, जो कनेक्टिंग क्रैंक है, ये कनेक्टिंग क्रैंक, इसकी लेंथ तो फिक्स है, ओके। सो लेंथ फिक्स है, सो ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेंगे ही करेंगे। सो ये होगा कि अगर मैं इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ओके, अब यहाँ पर इसको, इसका नाम आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा है कि एलिप्टिकल ट्रेमल, ओके, एलिप्टिकल ट्रेमल। सो इफ़ आई टेक अ पॉइंट हेयर, सो ये जो पॉइंट फॉलो करेगा, ये एक एलिप्स टाइप का कुछ तो बनाएगा। अब ये कैसे बनाता है उसका प्रूफ भी हम देंगे, बट आपको बस इतना पता करना है, एलिप्टिकल नेम मीन्स इफ़ वी टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, सो ये एलिप्टिकल ट्रायंगल बनाएगा, ओके। सो दिस इज़ यूज टू ड्रॉ एलिप्स ऑफ एनी साइज। अगर मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, मिड पॉइंट मतलब दिस इज ए बी एंड लेट सी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। सो ये जो प्रोड्यूस करेगा कर्व, वो सर्कल होगा, ओके। सो दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन ऑन apart from every other point, अगर apart from every other point which is not a mid point of ए बी, तो उस टाइम पर वो इलिप्स बनाएगा। इफ़ वी टेक मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन इट विल फॉर्म अ सर्कल, ओके। ऑल अदर पॉइंट एक्सेप्ट मिड पॉइंट प्रोड्यूस इलिप्स। नाउ लेट्स सी द प्रूफ। वी आर हैविंग दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, राइट। वी टेक अ पॉइंट पी, ओके, एंड वी नो द लेंथ, सो हमने इसको कार्टिजन प्लेन में पुट किया। सो लेट दिस इज एक्स and this is y, right, and as per that this is theta. So agar yahan par main cos theta dekhu, cos theta is x upon ap where p is this point, right. So agar cos theta ki baat karu, so agar is wale distance mein, so ye wala hum triangle lenge, right. Cos theta ke liye, cos theta is x upon ap, this distance. When I have to find the sin theta, sin theta will we will find through this triangle. So y upon pb or bp. So when you square this, cos square theta plus sin square theta, so cos square theta, we know that cos square theta plus sin square theta is equals to 1. So x square upon ap square plus y square upon bp square equals to 1. So this is a general equation of ellipse, okay. अब ये कहाँ से आया ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, right? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। सो अगर कुछ ऐसा पॉइंट दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सच दैट ए बी इज 100 mm एंड बी पी इज 150 mm, सो लोकस ऑफ पी इज ऑफ इलिप्स, तो इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस विल बी 2 AP, ओके, क्योंकि ये दो बार फॉर्म करेगा ना मेजर एक्सिस, इफ यू नो, अगर ये एक इलिप्स है, सो दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस, राइट। सो मेजर एक्सिस इज 2 AP, सो 2 AP मीन्स दिस इज 150 प्लस 100 विच इज 250, माइनर एक्सिस विल बी 2 BP, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 BP, सो 300, ओके,
नाउ अगर यही एक क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, अगर मैं एक ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, सच दैट दिस इज 75 एंड दिस इज 25, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 150 एंड माइनर एक्सिस विल बी 50, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके नाउ ये क्वेश्चन आ रखा है और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में ईएस में आ सकते हैं। नाउ ये जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या बोला है देखिए, फोर बार मैकेनिज्म वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। वाई वेरी हाई स्पीड? बिकॉज देयर इज़ नो स्लाइडिंग पेयर। सो स्लाइडिंग पेयर में क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर इज़ देयर देन वेयर इज़ हाई, राइट। इन रोटेटिंग पेयर और रोलिंग पेयर, रोटेटिंग पेयर वहाँ पर जो वेयर होता है वो कम होता है, राइट। तो ये चीज़ें हमें इसलिए जो टर्निंग पेयर है रोटेटिंग पेयर है वहाँ पे वियर कम होता है, इसलिए हम उसको हाई स्पीड पे कर सकते हैं। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका वियर भी इंक्रीज़ होता है। सो इट हैव वर्क एट वेरी हाई स्पीड, सो इट हैव वेरी हाई एक्सेलरेशन, वियर एंड टियर इज लेस, सो इफिशियंसी इज मोर इन दैट केस। इन डबल स्लाइड अ क्रैंक मैकेनिज्म वर्क एट लो वेलोसिटी। वाई लो वेलोसिटी? बिकॉज वी आर हैविंग टू स्लाइडिंग पेयर। ओके दो स्लाइडिंग पेयर के कारण क्या होगा, दिक्कत क्या होगा, वियर इज हाई। इट हैव लो एक्सेलरेशन, वियर एंड टियर इज हाई, इफिशियंसी इज लेस। सो कभी भी अगर इफिशियंसी की बात करें, वैसे आज तक कभी पूछा नहीं गया, बट अगर कभी पूछ लिया गया इफिशियंसी के बारे में, तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, फोर बार मैकेनिज्म की, उसके बाद स्लाइडर मैकेनिज्म की, फिर फोर जो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म की। ओके नाउ इफ अब सेकेंड मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने आपको बताया था इन मैकेनिज्म वी आर हैविंग फोर लिंक, राइट। हम मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले फर्स्ट लिंक को फिक्स करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। बाई चांस इफ यू फिक्स द सेकेंड लिंक एंड फोर्थ लिंक एंड यू आर गेटिंग द सेम मैकेनिज्म, तो हम इन दोनों को एक ही मैकेनिज्म कहते हैं। अगर लिंक टू एंड लिंक फोर को फिक्स करने के बाद सिंगल सेम मैकेनिज्म आएगा तो उसको हम सिंगल मैकेनिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे, सो वी आर हैविंग टू स्लाइडिंग पेयर विच आर आइडेंटिकल, राइट। सो इफ आइदर यू फिक्स द फर्स्ट वन और सेकेंड वन, यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। सो इसलिए हम यहाँ पर उन दोनों को एक ही मैकेनिज्म पढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल मैकेनिज्म कितने होंगे, तीन होंगे। ओके सो इफ़ एनी ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड, हम उसको बोलते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। सो स्कॉच योक मैकेनिज्म, दिस इज अ रोटेशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ओके सो हाउ रेसिप्रोकेटिंग एंड हाउ रोटेशन, लेट्स सी। हेयर वी आर हैविंग, ओके सो दिस इज इनिशियल पोजिशन, ओके सो दिस इज इनिशियल पोजिशन, सॉरी दिस इज इनिशियल पोजिशन। नाउ द फाइनल पोजिशन इज दिस वन, ये यहाँ पर आ गया। ओके सो ये वाला जो है ये भी तो आगे शिफ्ट होगा। ओके सो ये जो ग्रीन से है ये फर्स्ट पोजिशन है, जो रेड से है ये सेकेंड पोजिशन है। ओके सो एस ये तो फिक्स है, ये वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स है। वेन इट विल रोटेट, रोटेट मीन्स ये इस ये सेंटर होगा और इसके अराउंड ही रोटेट होगा। सो द पोजिशन ऑफ द दिस स्लॉटेड बार विल ऑल्सो गेट चेंज, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रोटेशन एंड द मोशन आउटपुट इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ओके सो ये यूज़ कहाँ होता है, अगर मैं इसको इतना आधा कट कर दूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर मैं फिक्स ही मान लूँ तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सो ये इस टाइप से होता है, अगर ये रोटेट करेगा तो ये वाला पार्ट आगे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सो एज अ मशीन इट इज़ यूज इन पावर हैक्सॉ मशीन। पावर हैक्सॉ मशीन आप देखा होगा कि जो पावर हैक्सॉ मशीन क्या होता है, ये जो टिथ होती है इस टाइप की, ये आगे पीछे मतलब टू एंड फ्रो मोशन करती है जिसके कारण कटिंग होती है, राइट। सो ये इस टाइप का मोशन करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म, स्कॉच योक। ओके तो ये आपको रिमेंबर रखना है। इसमें याद करने वाली चीज़ें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कोई भी डायग्राम नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ पर सिंपल आपसे नेमिंग पूछी जाएगी कि इफ़ वन स्लाइडर इज फिक्स देन वॉट काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी विल गेट और वॉट इज़ द नेम ऑफ द मैकेनिज्म। सो वहाँ पर आपको स्कॉच योक मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। वहाँ पर अगर मोशन पूछ लिया तो सो मोशन विल ट्रांसफर फ्रॉम रोटेशन टू रेसिप्रोकेटिंग, बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। और कभी कभार कभी इंटरव्यू में तो पावर हैक्सॉ मैकेनिज्म, तो आपको ये सिर्फ नेमिंग याद रखनी है। और नेमिंग कैसे आप याद रख सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम देन द रिमेंबरिंग नेम मीन्स अगर आपको डायग्राम याद है तो नाम याद रखना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ इफ जो लिंक जो है कनेक्टिंग स्लाइडर, जो कनेक्टिंग स्लाइडर इज फिक्स देन वॉट विल हैपन। सो इन कनेक्टिंग स्लाइडर ओल्डम
ओल्डहम्स कपलिंग वी विल गेट. ओल्डहम कपलिंग हमने सुना होगा, ओल्डहम कपलिंग कहाँ यूज़ करते हैं वो भी हमने देखेंगे. सो इट इज़ यूज टू कनेक्ट द शाफ्ट हैविंग लेटरल मिसअलाइनमेंट. सो इफ देयर इज शाफ्ट वन, ठीक है, मैं सिर्फ जो शाफ्ट हैं उनका सेंट्रल एक्सिस बनाऊंगा. सो लेट ये फर्स्ट का है एक्सिस, ये सेकेंड का एक्सिस. सो देयर इज एन मिसअलाइनमेंट, राइट, एक्स का मिसअलाइनमेंट है. सो इन दैट केस हाउ यू विल ज्वाइन दिस, वी हैव टू ट्रांसफर द मोशन फ्रॉम शाफ्ट वन टू शाफ्ट टू. सो वी आर यूजिंग ओल्डहम्स कपलिंग. सो ये इस टाइप से होता है. ओके, ये आपका ये जो स्लाइडर है ये फिक्स हो जाता है, एंड जो यहाँ पर जो आपका कनेक्टिंग लिंक है वो फिक्स हो जाता है, और जो यहाँ पर स्लाइडर है वो शाफ्ट में फिक्स होते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये शाफ्ट वन है आपका स्लाइडर, ये शाफ्ट टू है. सो दीज टू विल रोटेट. ओके, सो उसके कारण जब ये रोटेशन होगा तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ओके, मान लीजिए लेट्स सी, यहाँ पर हमारा शाफ्ट वन है, यहाँ पे शाफ्ट टू है. ओके, और शाफ्ट वन इनपुट है, शाफ्ट टू आउटपुट है. ओके, सो इफ शाफ्ट वन विल रोटेट, देन जो ये वाला पार्ट है ये भी तो रोटेट करेगा साथ में. ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो फिर ये रोटेट होगा. सो इस टाइप से मोशन होता है ट्रांसफर. तो इसको हम ड्रिवन शाफ्ट बोल सकते हैं, इसको ड्राइवर शाफ्ट बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी कभी कभी पूछ ली जाती है, मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी हियर. ओके, सो ये जो इंटरमीडिएट प्लेन है ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर, राइट. आप कभी होल्डम कपलिंग का देखेंगे तो इस टाइप से डायग्राम आता है कुछ, तो ठीक है, ये यहाँ पर एक ऐसा दिखेगा इस टाइप से. ठीक है, आप देख लीजिएगा ओल्डहम कपलिंग का यूट्यूब पे, अगर आप वीडियो डालोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. जिसमें ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होता है, दिखेगा आपको. सो ये इसके ऊपर स्लाइड करता है इन दोनों में. सो उसकी मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी पूछिए, तो मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ इंटरमीडिएट प्लेट इज वी मैक्स विल बी आर ओमेगा, आर ओमेगा, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट. जो ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया ना, ये एक्स वाला, ये कितना मिसअलाइनमेंट है दोनों के बीच में, तो वहाँ पर होगा. अब मिसअलाइनमेंट मतलब ये नहीं है कि दोनों शाफ्ट पैरेलल नहीं है, ये दोनों शाफ्ट पैरेलल हैं, बस उनके बीच में मिसअलाइनमेंट मीन्स उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है. ओके, सो वहाँ पर ये आर ओमेगा होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा जो ड्राइवर है उसका होगा, जो ये जो ड्राइवर शाफ्ट है इसकी जो ओमेगा होगी, किसी ओमेगा से रोटेट करोगा तो वो होगा. नो, एज स्लाइडर रोटेट इट ऑल्सो रोटेट स्लॉटेड प्लेट, ये मैंने आपको बता दिया था. ओके, नाउ एज स्लाइडर्स आर जॉइंट विद फिक्स्ड लिंक, सो दे कैन ओनली रोटेट एंड एक्ट एज अ शाफ्ट. सो इन ओल्डहम्स कपलिंग शाफ्ट विथ लेटरल मिसअलाइनमेंट इज यूज टू कनेक्ट. तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें क्या होगी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज़ हो गई, इन डबल स्लाइडर, देखिए पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, सबसे फर्स्ट फोर लिंक्स प्लस टू टर्निंग पेयर प्लस टू स्लाइडिंग पेयर, राइट. फर्स्ट हमने क्या देखा, वी फिक्स स्लॉटेड प्लेट, स्लॉटेड प्लेट इज फिक्स्ड. तो इसका नेम क्या हो गया, एलिप्टिकल ट्रेमल. इसका एक क्वेश्चन हमने करवाया था, प्लीज गो थ्रू दैट क्वेश्चन. आफ्टर दैट सेकंड, इफ अ स्लाइडर इज फिक्स्ड देन वी गॉट स्कॉचियोक मैकेनिज्म. ओके, एंड यहाँ पर मोशन क्या हो रहा है, रोटेशन टू रेसिप्रोकेटिंग. इसका एक एग्जांपल भी बताया था, पावर हैक्सॉ. थर्ड वन इज इफ कनेक्टिंग लिंक फिक्स्ड देन ओल्डहम्स कपलिंग, ओल्डहम्स कपलिंग. और ओल्डहम्स कपलिंग में क्या बताया था, जो वी मैक्स है वो आर ओमेगा है. अब यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट, ओमेगा क्या है, ड्राइवर का जो ड्राइवर की स्पीड है, जो ड्राइवर प्लेट है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो. ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस. पर इतना याद रखने के लिए अगर आपने डायग्राम एक बार याद कर लिया तो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिकल एडवांटेज. ठीक है, ये क्वेश्चन, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि मेंस में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है 2 मार्क्स के लिए, ऑल्सो फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मैकेनिज्म. सो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज कभी भी एडवांटेज की बात हो रही है, एडवांटेज की. सो एडवांटेज मीन्स कि आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, राइट. अगर मैं आपको 2 रुपये दे रहा हूँ और आप मुझे 3 रुपये दे रहे हो तो आई एम गेटिंग द एडवांटेज, राइट. सो कुछ इस टाइप की बात हो रही है. नाउ देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो हमेशा होता है, हम यहाँ पर किस चीज़ में बात कर रहे हैं, हम फोर्स के टर्म में बात कर रहे हैं या वेलोसिटी के टर्म पे. सो इफ मैकेनिकल एडवांटेज वी कैन फाइंड,
फोर्स आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट, ऑफ कोर्स जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो आउटपुट है और जो हमने दिया वो इनपुट है. सो आउटपुट अपॉन इनपुट, इट इज़ लाइक एन एफिशिएंसी, राइट? सो मैकेनिकल एडवांटेज. इफ़ यू टॉक इट अबाउट इन द टर्म्स ऑफ टॉर्क, सो आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड, लोड क्या है, आउटपुट, एंड एफर्ट क्या है, जो आपने एफर्ट किया. सो लोड अपॉन एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो. ठीक है, अगर वेलोसिटी के टर्म में पूछ लिया जाए तो वेलोसिटी के टर्म में हम क्या लिखेंगे, वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट. ये कैसे आया, देखिए, इफ इफिशियंसी ऑफ ए मैकेनिज्म इज गिवन, सो इफिशियंसी इज ऑलवेज अपॉन नॉट फोर्स अपॉन फोर्स, राइट, नॉट वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी. वहाँ पर पावर की बात करेंगे, आपने कितनी एनर्जी इनपुट किया, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर. सो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, पावर को हम क्या ले सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी. सो वेलोसिटी आउटपुट अपॉन वेलोसिटी इनपुट, सॉरी, फोर्स आउटपुट इंटू वेलोसिटी आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट इंटू वेलोसिटी इनपुट. अगर टॉर्क के टर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, राइट. अगर ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू फोर्स आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट इंटू वेलोसिटी आउटपुट अपॉन वेलोसिटी इनपुट, राइट. नाउ फोर्स आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स आउटपुट अपॉन फोर्स इनपुट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनपुट अपॉन वेलोसिटी आउटपुट इंटू इफिशियंसी. सो वही लिखा है यहाँ पर, वेलोसिटी इनपुट अपॉन वेलोसिटी आउटपुट इंटू इफिशियंसी. अब आपको ये पता है तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ से आ ही जाएगा. और वी नो दैट इफिशियंसी इज ऑलवेज एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट. सो यहाँ से मैकेनिकल इफिशियंसी, इफ मैकेनिकल इफिशियंसी नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो टेक मैकेनिकल इफिशियंसी एज 100%. ओके, नाउ हेयर लोड, लोड क्या है, एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यूरिंग मोशन. इफ देयर इज सम रेजिस्टेंस, जहाँ पर जनरली जो आप वो जो समटाइम आपने देखा होगा, इस टाइप की एक मशीन होती है, ठीक है, वाइब्रेटर टाइप का होता है, और ये इसके ऊपर जो रोड्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर ये वाला मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है. कैसे किया जाता है वो भी हम देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट लेट सी हम मैकेनिकल एडवांटेज क्वेश्चन में फाइंड करते हैं. ये है यहाँ पर, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, राइट. सो नाउ इफ वी सी हियर, यहाँ पर हमने मैकेनिकल इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या पुट किया. अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओमेगा के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, सो मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा इनपुट अपॉन ओमेगा आउटपुट. इफ़ यू सी हियर ना, सो ये वाला जो क्रैंक है इसको तो हमने कुछ रोटेशनल वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा इनपुट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, पर यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ये पीछे नहीं आएगा इस टाइम पे, ठीक है. ये क्या होगा, फर्स्ट अगर हम पोजीशन बात करते हैं किसी स्लाइडर की, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, व्हेन इट इज़ एट दिस पोजीशन, जो स्लाइडर है यहाँ पर है और वो स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होगी, वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और फिर जीरो पे आ जाएगा, राइट. वेलोसिटी चार्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वी मैक्स, यहाँ पर जीरो. सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है जीरो है, फिर यहाँ से जब वापस आएगा तो फिर वो गेन करेगा और फिर जीरो पे आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर फिर से वी मैक्स हो गया. सो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, सो ये जो पार्ट है स्लाइडर, ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर जो ओमेगा की वेलोसिटी या वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा, ओमेगा की वैल्यू है तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी. सो वी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, ओमेगा इनपुट अपॉन ओमेगा आउटपुट. सो ओमेगा आउटपुट यहाँ पर जीरो हो गया. सो ओमेगा इनपुट कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ओमेगा आउटपुट जीरो हो गया. सो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी. तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है. और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनपुट है हमारा रोटेशनल, जो मोशन है हमारा रोटेशनल टू रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. सो इसी चीज़ को हम टॉगल मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है, टॉगल मैकेनिज्म. सो क्या होता है टॉगल मैकेनिज्म, या टॉगल, इसको हम टॉगल पोजीशन कहते हैं, टॉगल पोजीशन. टॉगल पोजीशन मीन्स वेयर योर मैकेनिकल एडवांटेज टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, नाउ तो ये वाला कंसेप्ट समझ गया ना. आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, कैसे, अगर इस वाले क्वेश्चन में हमने चेक क्या किया है, कुछ भी नहीं. देखो सिंपल सी बात है, ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, अगर ये इस तरीके से आ गया तो ये थोड़ा पास में आ जाएगा, ये नीचे आ गया तो भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट. तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम पोजीशन पे अगर कोई भी चीज़ रेसिप्रोकेट हो रही है, जब वो अपने एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीमिटीज़ पे होता है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू जो होती है वेलोसिटी की, वो ज़ीरो होती है. सिंपल सी बात है, ये हमको पता है. ओके, सो हमको आउटपुट जीरो है, लेकिन इनपुट क्या है, इनपुट लिंक तो रोटेट करता ही रहेगा कांस्टेंट से, राइट. तो वो जीरो कैसे हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इनफाइनाइट. नाउ उसी कंसेप्ट पे टॉगल मैकेनिज्म बनाए. ओके, सो यहाँ पर टॉगल पोजीशन, टॉगल मैकेनिज्म आर डिफरेंट.
ये हमें पता करना है। अब टॉगल पोजीशन क्या होती है वो भी हम देख लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको टॉगल पोजीशन मतलब जहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट होता है, उसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर ऐसे कुछ दे दिया जाए कि आपको ओमेगा जो इनपुट है उसकी वैल्यू 5 दे दी जाए, ओमेगा आउटपुट की वैल्यू 50 दे दी जाए, सो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इनपुट अपॉन आउटपुट, तो 5/50 इज इक्वल टू 0.1, राइट, नॉट 10, 0.1, सिंपल सी बात है ना। टॉगल मैकेनिज्म, टॉगल मैकेनिज्म यू इफ यू सी हियर ना, इफ यू सी हियर दिस इज आवर मैकेनिज्म, ओके। सो यहाँ पर जो इनपुट फोर्स है यहाँ पर लग रहा है, देखो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट करेगा, इट विल गो डाउन एंड ये इस मोशन में होगा, जब ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर तो ये पीछे आएगा, राइट। सो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे रख दूँ, आपका हाथ रखूँ यहाँ पर, यहाँ पर हमने अपना ऐसे पाम रख दिया, ठीक है, सो ये हमें बार बार हिट करेगा, सो ये हमें आउटपुट फोर्स देगा। इनपुट फोर्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, सो एफ इनपुट अपॉन एफ आउटपुट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम टेन अल्फ़ा की बात करें, इसमें मान लो इसने कभी एक अल्फ़ा बनाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, राइट, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90 तो नहीं होगी लेकिन उसके आसपास कुछ भी हो सकती है, 0 to 90 के बीच में। सो टेन अल्फ़ा विल बी एफ इनपुट अपॉन एफ आउटपुट, राइट, एफ इनपुट अपॉन एफ आउटपुट। नाउ एफ आउटपुट विल बी एफ इनपुट अपॉन टेन अल्फ़ा, राइट। एफ जो आउटपुट होगा, एफ आउटपुट यहाँ पर, ये अगर हम इसको, अगर आपको पता है कि कभी कभी हम जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, ये जो हाइट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ इनपुट और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ आउटपुट, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ इनपुट अपॉन एफ आउटपुट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है ना। सो अगर मैं वो वाली बात हो गई कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, यहाँ पर एफ साइन थीटा, उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। सो एफ आउटपुट अपॉन एफ आउटपुट इक्वल टू एफ इनपुट अपॉन टेन अल्फा, व्हेन अल्फा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब जब ये लिंक स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ज़ीरो हो गई, सो टेन अल्फा ज़ीरो इज टेन अल्फा की जब वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो टेन ज़ीरो इक्वल टू वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो एफ आउटपुट अपॉन एफ इनपुट, एफ आउटपुट इक्वल टू एफ इनपुट अपॉन ज़ीरो, सो एफ आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, इनफाइनाइट मतलब कितना टाइम्स हो गया, मान लीजिए 10,000 टाइम्स बढ़ गया फोर्स, तो यहाँ पर 10,000 न्यूटन आएगा, मतलब इनफाइनाइट मतलब कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, बट अ वैल्यू दैट इज मच ग्रेटर देन द इनपुट, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो एफ आउटपुट इज मच मच ग्रेटर देन एफ इनपुट। सो यही इसी जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म को हम टॉगल मैकेनिज्म कहते हैं। टॉगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ इनपुट कम दे रहे हैं लेकिन जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी क्या लिखा है, वेयर लार्ज इंस्टेंटेनियस फोर्स, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फोर्स है, जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो होगी तब वैल्यू इनफाइनाइट होगी, राइट, पर ये थोड़ा सा जैसे ही आगे या पीछे हो जाएगा तो अल्फ़ा विल गेन सम वैल्यू और वहाँ पर इनफाइनाइट वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस, वेयर लार्ज इंस्टेंटेनियस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड एट आउटपुट एंड, सो इट इज़ यूज्ड इन स्टोन क्रशर, मैंने आपको बताया था, ओके। नाउ क्रेन यूजेस पुली सिस्टम टू गेन मैकेनिकल एडवांटेज, सो अगर आपको पता होगा तो किसी बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा था, इफ़ आई गेट अ वेरी लार्ज, जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैकेनिकल गेन का, ओके, ये एक पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत मान लो 1000 न्यूटन फोर्स है, राइट, इसकी वैल्यू 10 मीटर है, अगर आपको इसको पुश करना है और ये 1 मीटर है, सो ये जो फोर्स है ये कितना होगा, इसके अराउंड ये ले लो आप मोमेंटम ले लो, सो एफ इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन इंटू 10, सो मोमेंट दोनों का सेम होगा, राइट। सो यहाँ पर जो ये फोर्स आएगा, ये फोर्स कितना चाहिए, मतलब ठीक है, तो ये कितना चाहिए, 10,000 न्यूटन। अब इसको उल्टा कर दो, सॉरी, मैंने आपने कभी देखा होगा कि एक बड़ा सा पत्थर होता है, हम यहाँ पर छोटा पत्थर लगाते हैं, एक ऐसे स्टिक इसके नीचे लगाते हैं और यहाँ पर फोर्स देते हैं, राइट, तो ये अब मान लो ये 10,000 न्यूटन है, 100,000 न्यूटन है, ठीक है, ये 1 मीटर है, ये 100 मीटर है मान लो, ठीक है,
सो ये फोर्स विल बी फोर्स इंटू 100 इक्वल्स टू 1000 इंटू 1, सो द फोर्स रिक्वायर विल बी 10 न्यूटन. तो यहाँ पर देखो आपका इनपुट 10 न्यूटन है बट आउटपुट इज 1000 न्यूटन, आपने यहाँ पर गेन किया है, राइट. सो दैट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज. नॉट टोगल पोजिशन इज पोजिशन एट विच मैकेनिकल एडवांटेज इज इनफाइनाइट, एंड दिस इज टोगल मैकेनिज्म जो कि हम यूज़ करते हैं, राइट. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोगल पोजिशन एंड टोगल मैकेनिज्म. टोगल पोजिशन इज एन इंस्टेंटेनियस पोजिशन जहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट हो जाए. टोगल मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक पॉइंट पे हमें टोगल पोजिशन मिलता है, ठीक है. नाउ टोगल पोजिशन इन फोर बार मैकेनिज्म. आउटपुट लिंक शुड ऑलवेज बी रॉकर. अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ देख लिया होगा, यहाँ पर आउटपुट लिंक है हमारा. रॉकर क्या था? रॉकर अगर आपको याद होगा, रॉकर एंड क्रैंक में, क्रैंक इज अ लिंक दैट रोटेट, राइट, जो रोटेट करता है 360 डिग्री के अराउंड. सो अगर वो कंटिन्यूस रोटेट करता रहेगा तो वो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी या ओमेगा जीरो नहीं होगी, राइट. बट अ रॉकर मैकेनिज्म मान लो ये है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीमिटीज ये है, तो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. सो इस पोजीशन पे जब वो आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, इस पोजीशन पे भी वेलोसिटी जीरो रहेगी, यहाँ पर वी मैक्स रहेगा या ओमेगा मैक्स रहेगा बोल सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं एक बॉडी को देखूँ, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा फिर रुक जाएगा, फिर गेन करेगा फिर रुक जाएगा, तो सेम कंडीशन. तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वी मैक्स है, राइट. सो इसलिए बोला है ये दोनों एज अ रॉकर काम कर रहे हैं, राइट, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर 360 डिग्री. सो इसलिए बोला है आउटपुट लिंक शुड ऑलवेज बी अ रॉकर. क्रैंक हो गया, इफ आउटपुट लिंक इज क्रैंक इन अ फोर आर मैकेनिज्म देन वो टोगल पोजिशन नहीं दे सकता है. एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ आउटपुट लिंक और रॉकर इन फोर आर मैकेनिज्म इज नोन एज इज विल गिव यू टोगल पोजिशन. जो एक्सट्रीम पोजिशन है वो आपको देंगे, ओके. सो एट एक्सट्रीम पोजिशन ओमेगा आउटपुट जो आपका क्या बोलते हैं रोटेशनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा. सो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट हो जाएगा. सो एट एक्सट्रीम पोजिशन रॉकर चेंजेस इट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड एट दैट इंस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है रोटेशनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है. नाउ ये देखो एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ रॉकर आर्म्स बिटवीन जो ये होगा एक्सट्रीम, यहाँ पर अगर ये आउटपुट है तो ये हो गया ना, ये कुछ तो इस टाइप से करेगा. सो एक्सट्रीम पोजिशन जनरली कब होगा? जब बीटा की वैल्यू जो ये वैल्यू है आइदर जीरो होती है या 180 डिग्री हो जाएगी. सो अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो बीटा की वैल्यू है ये जीरो हो गई और यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है तो ये 180 डिग्री हो गई. तो ये एक्सट्रीम पोजिशन है ना. अगर ये थोड़ा सा भी और ऊपर उठ गया जब 180 डिग्री से कम हो जाएगा तो ये वाला पोजिशन कुछ इधर आ जाएगा, राइट. तो इसकी मैक्सिमम पोजिशन एक तो ये हो गई जब ये 180 डिग्री यहाँ पर, राइट. अगर हम ये दोनों को ओवरलैप कर देंगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम मिल जाएगा, राइट. सो दिस इज लिंक 4, दिस इज लिंक 3 एंड दिस इज लिंक 2, ये 180 डिग्री मिलेगा. सो ये इस टाइप से होता है, ठीक है. तो 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर. अब देखो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सट्रीम पोजिशन कहाँ पर मिलेगा. सो व्हेन बीटा कहाँ पर है? अब देखो बीटा है इनपुट लिंक एंड कनेक्टिंग रॉड के बीच में, ठीक है. एंगल हमें देखना है. बीटा इज एंगल बिटवीन इनपुट लिंक एंड कनेक्टिंग रॉड. तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे एक्सट्रीम कंडीशन दे रहा है. सो ये बीटल नट कटर में यूज होता है. अब प्री के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे वो पोजीशन देगा. जब मेंस में जाएंगे तो इसकी भी एनालिसिस होती है, तो वो भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ओके. सो अब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया है. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें, और उसके बाद हम उसमें वाटर इंडिकेटर मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे जो कि कभी कभार गलती से पूछ लिया जाता है. सो हम वो देखेंगे, ओके. सो होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोगों को बराबर वीडियोज़ मिलते रहेंगे. टेक केयर एंड गुड बाय.